ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज। कोशिश हुंदी है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुहाडे तक पहुंचाउण दी। सो अज दा शो जो कि मैं 8 जून नूं शूट कर रहा, सो इहदे विच भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जां जो भी लेटेस्ट स्टेटस चल रहे ने उहदे नाल तुहानूं जाणू कराउण दी कोशिश करूंगा। उस तों पहलां मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तां कि हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुहाडे तक समय सिर पहुँचती रहे। नोटिफिकेशन ते क्लिक कर लियो बैल आइकन ते ताकि तुहानू जिद्दां ही असी शो पाईए तुहानू पहुँचे। सो चैनल नू सबसक्राइब करके रख दियो तां बहुत सारियां इन्फॉर्मेशनस तुहानू शेयर हुंदियां रहिंदियां ने तुहाडे तक। सो अज दे जिहड़ा टॉपिक है जी उहदे च काफ़ी चीज़ां नू आपां कवर करांगे कि अज तक दा स्टेटस की है इंटरनेशनल स्टूडेंट दे लई, हुण तक की खुल चुका है की नहीं खुल चुका, फीसां चाहे VFS चाहे फ्लाइट्स, कंट्रीज़ नू लैके सिचुएशन, इंडिया नू लैके सिचुएशन, ए सारी चीज़ के उत्ते आपां अज डिस्कस करांगे। सो सब तो पहला आपां इन्हें 2-3 सैक्शनां च वंडांगे हर चीज़ नू लैके। सो VFS सेंटर जो कि एक हॉट टॉपिक है, उहदा मैं पहला आंसर कर दिंदा बच्चों। VFS सेंटर आपां नू आउण वाले तकरीबन ऐसे वीक दे किसी भी दिन खुले देख सकते हैं, क्योंकि VFS ने जिहड़ा लास्ट उन्हां दी वैबसाइट ते अपडेट है उहदे विच उन्होंने कहा कि 8 जून नू इंडिया च लॉकडाउन हटाएगी गवर्नमेंट मॉल्स दे उत्ते, जिहड़ा फस्ट फेज़ है जिहदे नाल VFS मेनली कनैक्टेड है। उस तो बाद VFS अपना डिसीजन लेगा, क्योंकि जदों भी कोई लॉकडाउन हटता है तो उहदे नाल कुछ शर्तां सरकार जरूर लाउंदी है। सो इहदे नाल भी कुछ शर्तां कुछ SOPs अप्लाई कीते ने गवर्नमेंट ने। सो डेफिनेटली उहदे उत्ते अपनी रिव्यूइंग लैके VFS अपना डिसीजन आने वाले दिनों देगी और VFS सेंटर नूं उसे तरीके नाल उह तैयार करके आम पब्लिक लई आम लोगों लई आम जनता लई खोलेगी। नाउ सैकेंड इज़ कि एम्बेसीज अपना काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, ऑनलाइन जिहड़ियां फाइलां लगियां ने उन्हां दे रिजल्ट आपां नूं दिखने शुरू हो गए ने और पिछले महीने तो ही दिख रहे ने। सो दैट मीनस ऑनलाइन एम्बेसीज आर वर्किंग। हुण जिहड़े बच्चों ने या जिहड़े दोस्तों ने ऑफलाइन फाइलां लाइया हुई सी उन्हां नूं बड़ी कन्फ्यूजन है कि ऑफलाइन फाइलों का की बनेगा। ऑफलाइन फाइलों का भी दोस्तों हो सकता काम चलता होवे पर उहदा अपडेट आपां नूं नहीं पता लग पा रहे। उहदा रीज़न है कि ऑफलाइन जिहड़ी फाइल लगती है उहदा स्टेटस आपां नूं सीधा VFS दे थ्रू जिहड़ा कोरियर आउंदा उहदे च पता लगदा सी और VFS बंद होने के नाल हुण आपां नूं उन्हां दे डिसीजन कोई पता नहीं लग रहे। सो आपां श्योर नहीं गए कि इस टाइम वो ऑफलाइन काम कर रहे ने नहीं कर रहे। मोस्ट लाइकली कुछ हद तक वो टीमां जरूर काम करदियां होणगियां, जिद्दां ही VFS खुलणगे तां जरूर आपां नूं 2-4 दिनां दे विच जिहड़े रिजल्ट है वो दिखने शुरू हो जाणगे ऑफलाइन वर्किंग नूं लैके। सो VFS इज़ वन साइडेड, इट्स क्वाइट ओपन। नाउ इंटरनेशनल फ्लाइट्स जिहड़ा कि एक मेन मुद्दा बच्चों का रेगूलर बनया होया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिया ने क्लीयर किया है कि 30 जून तो बाद जो भी लॉकडाउन की सिचुएशन होगी वो अकॉर्डिंग खोलिया जाएगा। प्लस आ भी देखा जाएगा कि जी डेस्टिनेशन पर जानी है फ्लाइट वो डेस्टिनेशन की इंटरनेशनल फ्लाइट्स लै रहा, क्योंकि कल्ला इंडिया के इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलन का कुछ नहीं होंगे। सो ये मैं दस दिना कि UK ऑलरेडी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नू अलाउ कर चुका है 8 जून तो अज तो, बट कैनेडा ने हजे डिसीजन नहीं लिया। बट कैनेडा ने अपने US बॉर्डर इस वीक खोल दते हैं। सो इट इज़ मच लाइकली एक्सपैक्टिड कि जेडे बाकी दे इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने या इंटरनेशनल बॉर्डरस ने उन्होंने भी कैनेडा आने वाले 2-3 हफ्तों के खोल देगा। सो अप्रोक्सीमेटली जो तक इंडिया डिसाइड करेगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स नू स्टार्ट करन दी उदों तक कैनेडा और UK दोनों जगह दियां फ्लाइट्स जिहड़ियां जी वह शुरू हो चुकिया होणगियां, मतलब वो लेना एक्सैप्ट कर चुके होंगे। सो बेफिक्र होकर अपनी फाइल्स और एप्लीकेशनस नू चलाओ और किसी तरह नाल भी इंटरनेशनल स्टूडेंट नू हुण घबराउण दी लोड़ नहीं है। चीज़ां जिहड़ियां ने समय के नाल नाल हुण खुलणियां ने, दुनिया इदां ही बंद होकर नहीं रहूगी। करोना नू लैके गवर्नमेंट सानू अलग अलग तरीके नाल ट्रेंड नॉलेज करती आ रही है। सो सानू वो चीज़ां सीखनियां पैणगियां, चाहे वह सोशल डिस्टेंसिंग है चाहे वह मास्क लगा के रखना है। सो इदां दियां सारियां चीज़ां नू सानू फॉलो करना जरूरी है। एजेंट्स कंसल्टेंट दे ऑफिसिस च जाना मैं तुहानू यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेज़ करो कंसल्टेंट्स। जिहड़े अच्छे कंसल्टेंट्स ने वो डेफिनेटली तुहानू ऑनलाइन सर्विसिज दे सकते हैं। ब्रॉडवे पूरी तरह उहदे च सक्षम है। हो सकता है जदों तक यह वीडियो तुहाडे तक पहुँचे उदों तक जिहड़े साडे ऑलरेडी प्रेजेंट क्लाइंट सीगे उन्हां नूं एक ट्रैकिंग फॉर्मेट मिल चुका होगा जिहदे नाल वो अपने प्रेजेंट ब्रॉडवे दे नाल रन कर रहे केसां नूं देख सकणगे साडी वैबसाइट दे उत्ते। सो ट्रैकिंग ऑप्शन उन्हां बच्चों लई रहेगा जिन्हां ने साडे नाल ऑलरेडी अप्लाई किया होया या जिहड़े ऑलरेडी हुण अप्लाई करन जा रहे ने। सो उन्हां नूं यह पहले दिन तो यह फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी।
बाकी रह गया कंसल्टेंट नूं मिलण दी गल, उहदे नाल डिस्कस करन दी गल, तां उहदे लई सिंपल है दोस्तों, ब्रॉडवे इमीग्रेशन बहुत पहलां इनिशिएटिव लै चुका कि असीं कल्ला फोन ते व्हाट्सएप ते तुहाडा केस नहीं लैंदे, असीं तुहाडे नाल बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस करदे हां, 1-to-1 केस नूं डिस्कस करदे हां, और वो एप्लीकेशन नूं डिस्कस करन तों बाद ही उस एप्लीकेशन नूं असीं असैप्ट करदे हां। सो तुहाडे जो भी सवाल ने, क्वेश्चन ने, तुसीं उहदे लई साडी वीडियो कॉन्फ्रेंस बुक कर सकते हो, साडी वैबसाइट ते जाके एक फॉर्म है, तुसीं उहनूं भर के अपना टाइम जिहड़ा जी उहदे च सिलेक्ट कर सकते हो, और उस टाइम ते तुहानूं वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सो तुहाडे होर भी जिहड़े सवाल ने, तुसीं रेगूलर साडे प्लेटफॉर्म ते शेयर कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और उहनां नूं क्लीयर कर सकते हो, और जो भी नवां आंदा रहेगा उह तुहाडे नाल इस प्लेटफॉर्म ते शेयर करदे रहांगे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਣ।